bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum i hope you must be doing good inshallah it's me Anjum mikhail at your own channel english lounge in today's video we'll talk about poly system theory that uh, falls under the umbrella of um, translation studies uh, in the whole video uh, you would get intro of poly system theory then we we'll would talk about major concerns or key point uh, key points of दिस थेरी दैन वी वुड टॉक अबाउट हायर आर्की इन पोलियो सिस्टम एंड दैन एट द एंड वी वुड डिस्कस दैट हाउ डिफरेंट क्रिटिक्स सी दिस पोलियो सिस्टम थियोरी नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट स्टार्ट टू डे इस वीडियो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पोलियो सिस्टम थियोरी पोलियो सिस्टम थियरी जो थी वो डिवेलप्ड हुई थी नाइनटीन सेवेंटीज में बाई इसराइली स्कॉलर इटमार एवनजोहर अब इतमार इवन जोहर ने ये आइडिया पोली सिस्टम थेरी का कहाँ से लिया था या किस से लिया था ये आइडिया इसने बोरो किया था फ्रॉम रशियन फॉर्मलिस्ट्स जो कि एक मूवमेंट थी नाइनटीन ट्वेंटीज़ में चली थी एंड स्ट्रक्चरलिस्ट um, या स्ट्रक्चरलिज्म जो मूवमेंट जो चली थी नाइनटीन थर्टीज से नाइनटीन में सो so, uh, ये आइडिया जो है वो लिया गया रशियन फॉर्मलिस्ट से एंड स्ट्रक्चरलिस्ट से अब ये जो फॉर्मुलस्ट थे या स्ट्रक्चरलिस्ट थे इनका क्या एक आइडियोलॉजी थी इनकी आइडियोलॉजी ये थी कि हम किसी भी लिटरेरी वर्क को या किसी भी लिटरेरी पेपर को हम आइसोलेशन में नहीं समझ सकते यानी इसका मकसद हमें आइसोलेशन में या सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ को देखें तो हम नहीं समझ सकते बल्कि हम इसको जब तक एज अ पार्ट या एज अ होल या एक स्ट्रक्चर में ना देखें तो तब तक हमें इसका मकसद समझ में नहीं आएगा उस लिटरेरी वर्क का उनका कहना ये था कि अ सिस्टम ऑफ फंक्शंस ऑफ द लिटरी ऑर्डर विच आर इन कंटिन्यू इंटर रिलेशनशिप विद अदर ऑर्डर्स अब इसको हम आसान लफ्ज़ों में इस तरह से देख सकते हैं कि जो uh, डिफरेंट फंक्शनज़ होते हैं यानी किसी भी जो कह लें कि लिटरेरी ऑर्डर में या लिटरेरी जो वर्ग्स हैं ठीक है वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेशनशिप में होते हैं और कड़ी के साथ कड़ी जुड़ती है यानी एक दूसरे के साथ रिलेट करेगा दूसरा दूसरे के साथ तो हम अगर एक को भी आइसोलेट कर देंगे या एक को भी अलग कर देंगे तो हम उसका जो हिडन पर्पज़ है या इवन जो उसका बाहर भी जो जो राइटर उसमें कहना चाह रहा है हम उसका वो पर्पज़ नहीं गेन कर सकेंगे अच्छा अब आ गई डेफिनेशन पोली सिस्टम थेरी की लेकिन उससे पहले इस वर्ड पोली सिस्टम को अगर देखा जाए पोली सिस्टम तो इसका हमें लफ्जी मानी भी यही समझ में आता है पोली सिस्टम यानी बहुत सारे सिस्टम्स तो डेफिनेशन से भी हमें यही uh, पता चलता है तो um, चलें यहाँ पे एक डेफिनेशन हम देख लेते हैं सबसे पहले द पोली सिस्टम इज़ हेट्रोजीनियस एंड हायर मिक्सचर ऑफ सिस्टम्स विच इंटरैक्ट टू ब्रिंग अबाउट एन आउट गोइंग डायनेमिक प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन विद द पोली सिस्टम एज अ होल अब देखें ये कहते हैं कि पोली सिस्टम जो है ये हेट्रोजीनीस इन हायरकाइड मिक्सचर है सिस्टम्स का ठीक है पोलियो सिस्टम जो है वो मिक्सचर ऑफ सिस्टम्स है लेकिन कैसे सिस्टम्स जो हैट्रोजीनियस होंगे यानी डिफरेंट होंगे इन हायरकाइड यानी हायर हायर का मतलब है हायरकाइज का मतलब है कि ये लेवल्स में होते हैं यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन जो होती है ठीक है ये इसको हम हायर कहते हैं लोअर पोजीशन होती है फिर उससे अपर होती है उससे अपर होती है फर्स्ट होती है सेकंड होती है थर्ड होती है इस तरह से ठीक है तो कहते हैं कि पोलियर सिस्टम में जो वो सिस्टम्स होते हैं बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं और वो हायर में होते हैं ठीक है विच इंटरेक्ट टू ब्रिंग अबाउट एन आउट गोइंग डायनमिक प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन विद द पोली सिस्टम एज आ होल अब ये जो बहुत सारे सिस्टम्स है ये क्या करेंगे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं ये इंटरेक्ट करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं ताकि डायनेमिक प्रोसेस डायनेमिक प्रोसेस यानी जो चेंज है वो आता रहे एक आ, हमारे सामने जो है वो एवोल्यूशनरी प्रोसेस जो वो आता रहे यानी ऐसा नहीं होता कि अगर ट्रांसलेशन की फर्स्ट पोजिशन है सिस्टम में और शॉर्ट स्टोरीज की सेकेंड है चिल्ड्रेन लिटरेचर की थर्ड है इसी तरह से नॉवल्स की फोर्थ है तो ये सिस्टम हमेशा से इसी तरह से रहेंगे नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं ये एक दूसरे के साथ कंपीट करते हैं कभी एक प्राइमरी लेवल पर आता है तो दूसरा सेकेंडरी लेवल पर आ जाता है तीसरा जब उससे लोअर लेवल पर आ जाता है तो इस तरह से ये सिस्टम जो है वो काम करते हैं और ये एक ही स्ट्रक्चर में रहते हैं यानी अगर हम इनको सेपरेटली देखेंगे तो सेपरेटली हमें किसी भी सिस्टम की समझ नहीं आएगी जब तक कि हम इसको होल स्ट्रक्चर में नहीं देखेंगे सेकेंड डेफिनेशन हमारे पास आ गई अ मल्टीपल सिस्टम अ सिस्टम ऑफ वेरियस सिस्टम्स विच इंटरसेक्ट विथ ईच अदर इन पार्टली ओवरलैप यूजिंग को करेंटली डिफरेंट ऑप्शन येट फंक्शनिंग एज वन स्ट्रक्चर्ड होल हुज मबर्स आर इंटरडिपेंडेंट देखें तकरीबन सेम ही ये भी डेफिनेशन है इसमें भी यही कहा जा रहा है कि मल्टीपल सिस्टम्स होते हैं सिस्टम ऑफ एरिया सिस्टम्स ठीक है जो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट uh, करते हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं ओवरलैप करते हैं और uh, फिर हमारे सामने जो वो यानी एक एज अ स्ट्रक्चर जो वो या एज अ होल काम करते हैं और ये जो सिस्टम्स हैं ये इंपॉर्टेंट एक इसमें पॉइंट है कि ये इंटर डिपेंडेंट होते हैं यानी ये इनडिपेंडेंट नहीं होती एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं अब ये जो बार बार टर्म्स यूज़ हो रही हैं हमारे पास सिस्टम एंड पॉलीसिस्टम सिस्टम हम ज़रा इन में भी देख लेते हैं कि क्या फ़र्क है और क्यों पॉलीसिस्टम सिस्टम को प्रेफ़र किया गया इवन जोहर जो था उसने प्रेफ़र किया था यानी टर्म पॉलीसिस्टम सिस्टम को लेकिन सिस्टम को उसने प्रेफर नहीं किया सिस्टम को प्रेफर क्यों नहीं किया क्योंकि उसने कहा कि सिस्टम जो है वो नेटवर्क है रिलेशनस का और इसमें ज़्यादा जो है वो क्या है हाइपॉथसिस चलता है जो सिस्टम है उस टर्म में हाइपोथेसिस चलता है लेकिन जब बहुत सारे सिस्टम में लेंगे जब ये पूरे स्ट्रक्चर में आएंगे तो फिर हम यानी पोली सिस्टम को हम देखेंगे तो वो ज़्यादा हमारे लिए यूँ कहें कि मीनिंगफुल साबित होगा अब अगर हम देखेंगे सिस्टम क्या, क्या है पोली सिस्टम क्या यानी एग्ज़ाम्पल्स अगर हम देखें तो नॉवल शॉर्ट स्टोरीज़ चिल्ड्रन लिटरेचर ट्रांसलेशंस पोएम्स यानी ये जो हम, ये अलग अलग सिस्टम्स हैं नोवेल अलग सिस्टम है स्टोरीज़ अलग सिस्टम है फिर इसी तरह से चिल्ड्रन लिटरेचर अलग है ट्रांसलेशन अलग सिस्टम है पोएम्स अलग सिस्टम है ठीक है अब ये जो सारे के सारे सिस्टम्स हैं इनको अगर हम कॉम्बिनेशन में देखें या यूँ कह लें कि इनको अगर हम एज अ होल देखें सब के सब मिलाकर देखें तो वो लिटरेचर कहलाता है और कैनन लिटरेचर क्या है पोली सिस्टम है यानी कैनन लिटरेचर हमारे पास एग्जाम्पल आ गई पोली सिस्टम पोली सिस्टम थेरी की थेरी नहीं सॉरी पोली सिस्टम की एंड देन नोवेल स्टोरीज़ एंड ये जो जितने भी टर्म्स हमारे पास हैं ये सारी की सारी हमारे पास अगर हम इनको सेपरेटली देखते हैं तो ये एग्ज़ाम्पल्स हमारे पास आ गई सिस्टम की अगर हम कंसर्नस देखें इस थेरी के तो हमें ये पता चलता है कि पोलियो सिस्टम थेरी में जनरली जो बात की जाती है वो लिटरेरी सिस्टम्स के बारे में बात की जाती है कि कैसे उनका फंक्शन जो है वो क्या होता है या फिर उनकी एवोल्यूशन जो है वो किस तरह से होती है इन डिफरेंट यानी डिफरेंट लिटरेरी सिस्टम्स हैं तो हर एक सिस्टम का फंक्शन क्या है और उनकी एवोल्यूशन कैसे हो रही है उनका जो एक यानी स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के अंदर उनकी पोजीशन क्या है क्या वो प्राइमरी पोजीशन पे हैं क्या वो सेकेंडरी पोजीशन पे हैं क्या या क्या वो आम, इग्नोर हो रहे हैं स्ट्रक्चर में या फिर जो वो किसी भी लिट्री सिस्टम को या किसी भी लिट्री यौनरा को जिसे कहते हैं कि खाम ख़वा में बहुत ज़्यादा हायर पोजिशन दी जा रही है तो इन सब चीज़ों के बारे में हम जो हमें जो वो पोलियर सिस्टम थेरी के अंदर पता चलता है आ, इवन जहर जो था उसकी थेरी में हम देखते हैं कि उसने आ, बहुत सख्त रिएक्शन दिया अबाउट द फेलेस ऑफ ट्रेडिशनल एस्थेटिक अप्रोच अब ये आ, यानी ट्रेडिशनल इस्स्थेटिक अप्रोच बेसिकली है क्या इसका मतलब ये है कि जैसे यानी एक टिपिकल जो हमारी एक सोच है अबाउट uh, यानी लिटरेरी ऑनड्रा यानी कि अगर हम कहें कि नावल जी में जी जो वो पूरे माशरे में या फिर जितना भी लिटरेचर है उसमें नावल जो है वो बहुत अच्छा है नावल को बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है यानी बिल्कुल अगर वो किसी काम का भी नहीं है तब भी हम उसको ऊपर लेकर जाते हैं और जो बाकी लिटरेरी लिटरेरीराज हैं जैसे चिल्ड्रन लिटरेचर हो गया थ्रिलर्स हो गए या जितना भी ट्रांसलेटेड वर्क होता है उस सब को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है यानी उसको वो पोजीशन नहीं दी जाती जो कि वो डिज़र्व करता है अब हम ये देख लेते हैं कि हायरार्की क्या है पोली सिस्टम के अंदर एज आई कर अर्लियर के जो सिस्टम्स हैं डिफरेंट सिस्टम्स हैं पोली सिस्टम में वो उनकी पोजिशनिंग होती है या वो लेवल्स होते हैं यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पोजिशन तो इस चीज़ को हम हायरार्की कहते हैं ठीक है अब जो हाइस्ट uh, पोजीशन होगी हायरार्की में वो सपोज uh, अगर है इनोवेटिव लिटरेरी टाइप के पास इनोवेटिव लिटरेरी टाइप क्या है और कंजर्वेटिव लिटरेरी टाइप क्या है ये मैं भी आपको समझाऊंगी पहले हम इस पॉइंट को देख लेते हैं तो हाई अगर हमारे पास हायर पोजीशन जो है वो इनोवेटिव लिटरेरी टाइप के पास है तो लोअर जो पोजीशन होगी या लोएस्ट uh, जो कैटेगरी uh, होगी वो हमारे पास होगी कंजर्वेटिव टाइप के पास यानी कंजर्वेटिव लिटरेरी टाइप के पास अब ये देख लें जी इनोवेटिव क्या है ठीक है इनोवेटिव मीन्स समथिंग न्यू और डिफरेंट और वी कैन से क्रिएटिव वर्क इसको हम ज़्यादा अच्छे तरीके से इस तरह से समझ सकते हैं कि जो क्लासिकल इरा था इसमें बात की जाती थी लिटरे, लिटरेचर में किंग्स एंड क्वीन्स के बारे में ठीक है तो जब मिडल एजेस आया ठीक है मिडिल मिडल इरा या मिडल एजेस में या मिडिवल इरा में जो श, ए, किंग्स और क्वीन वाला वो एक फोकस था ना वो फोकस शिफ्ट हो गया कॉमन मैन के ऊपर रियलिटी के ऊपर तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्लासिकल इरा है उसमें जो लिटरेचर क्रिएट हुआ वो कंजर्वेटिव या ट्रेडिशनल टाइप का है और जो एक न्यू चीज़ हमारे पास सामने आई यानी कॉमन मैन और रियलिटी के बारे में जब बात की जाने लगी तो वो हमारे पास इनोवेटिव लिटरेरी टाइप आ गई अब पोली सिस्टम के अंदर कभी तो इनोवेटिव लिटरेरी टाइप्स जो हैं वो ऊपर आ जाती हैं वो प्राइमरी पोजीशन हासिल कर लेती हैं हायर पोजीशन हासिल कर लेती हैं तो फिर जब एक के पास हायर पोजीशन होगी तो ऑटोमेटिकली जो कंजर्वेटिव टाइप होगी या जो ओल्डर जो लिटरेचर होगा उसके पास लोएस्ट पोजीशन आएगी ठीक है जो ट्रेडिशनल हमारे पास जो टाइप्स होती हैं उनके पास जो लोएस्ट कैटेगरी आ जाती है ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि जो हायरार्की डायनेमिक होती है यानी चेंज होती रहती है ये भी मैं पहले बता चुकी हूँ जो रिलेशनशिप है इनोवेटरी और कंजर्वेटिव के दरमियान ये ये जो एक कॉन्सटेंट स्टेट ऑफ फ्लक्स इन कॉम्पिटिशन यानी कि इसमें एक कॉम्पिटिशन रहता है कभी एक ऊपर आता है कभी दूसरा ऊपर आता है कभी एक को जो प्राइमरी पोजिशन हासिल होती है कभी दूसरे को पोजिशन हासिल होती है ऐसा नहीं है कि दो ही सिस्टम्स होते हैं लेकिन यानी प्राइमरी के अंदर आ, या यूँ कह लें कि जो कंजर्वेटिव टाइप्स हैं उसमें काफ़ी सारे योनराज आ जाएंगे और इसी तरह से जो इनोवेटिव टाइप्स हैं लिटरेरी टाइप्स हैं उसमें काफ़ी सारे योनराज या सिस्टम्स आ जाएंगे ठीक है अब इन सारे सिस्टम्स में जिनकी हम बात करें अभी तक इन में ट्रांसलेशन भी होती है ठीक है ट्रांसलेटेड जो लिटरेरी वर्क होता है वो भी यानी इन्हीं सिस्टम्स में होता है और इस थेरी का मकसद यानी इवन जोहर का जो मकसद था ये थेरी लिखने का या ये इंट्रोड्यूस करवाने का वो यही था कि जो ट्रांसलेटेड वर्क है वो कहाँ है यानी उसकी क्या पोजीशन है आया वो टॉप पे है या बॉटम में है या कहीं उसको इग्नोर तो नहीं किया जा रहा तो यही मकसद था इवन जोहर का ये थेरी इंट्रोड्यूस करवाने का अब क्योंकि हमने कहा कि ये जो इनोवेटिव और कन्जरवेटिव टाइप्स हैं यानी इनका जो एक कांस्टेंट कंपटीशन रहता है तो इस कंपटीशन की वजह से जो ट्रांसलेटेड वर्क है या ट्रांसलेटेड लिटरेचर है ये कही कहीं ना कहीं प्राइमरी पोजीशन पे भी आ जाता है और कहीं पे सेकेंडरी पोजीशन में भी आ जाता है अगर तो ट्रांसलेटेड वर्क प्राइमरी टेक्स्ट uh, के तौर पर जो वो सामने आएगा यानी इसको प्राइमरी पोजीशन जो वो मिलेगी तो फिर हमारे पास तीन मेजर केसेस होते हैं केस वन ये है कि वो यानी ट्रांसलेटेड वर्क या तो यंग लिटरेचर होगा या तो वो पेरिफेरल या वीक लिटरेचर होगा या फिर वो टर्निंग पॉइंट होगा अब ट्रांसलेशन को हम यंग लिटरेचर कब कहेंगे कि जब uh, आपके पास यानी ट्रांसलेट ट्रांसलेटेड ट्रांसले वर्क जो है वो ऑलरेडी मौजूद ट्रांसले है यानी ट्रांसलेटेड मॉडल्स ऑलरेडी मौजूद हों यानी पहले से नोवेल की भी ट्रांसलेशन हो रही है शॉर्ट स्टोरीज़ की भी ट्रांसलेशन हो रही है किसी भी दूसरी लैंग्वेज से यानी आप अपनी लैंग्वेज में करें या किसी और दूसरी लैंग्वेज में करें ठीक है यानी अरेबिक से उर्दू में कर ली या फिर अरेबिक से इंग्लिश में कर ली या इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन कर ली तो इस तरह से यानी जो ट्रांसलेशन आपके पास पहले से मौजूद हैं आप उसी पैटर्न को फॉलो करें आप उसी ओल्डर लिटरेचर को जो फॉलो करें रेडीमेड आपके पास मॉडल्स हैं आपने उसी पैटर्न को फॉलो किया आपने नई एक ट्रांसलेशन क्रिएट की और उसको प्राइमरी पोजिशन हासिल होगी तो वो प्राइमरी पोजिशन में उसकी कैटेगरी वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा यंग लिटरेचर की कैटेगरी में फॉल करेगा सेकेंड जो हमारे पास केस आ जाता है वो है पेरीफ्रिल या वीक लिटरेचर अब इसमें हमारे पास यानी जैसे मैंने कहा कि आपके पास ऑलरेडी मॉडल्स मौजूद हैं यानी नोवेल की भी ट्रांसलेशन हो रही है शॉर्ट स्टोरीज़ की भी इस तरह से जो पेरिफेरल या वीक लिटरेचर है कि हम आ, ट्रांसलेशन को तब पेरिफेरल या वीक लिटरेचर कहते हैं अगर वो प्राइमरी पोजिशन पर है कि जब उसकी यानी ट्रांसलेशन आप यूँ कह लें कि बहुत कम होती है या ना होने के बराबर है या फिर नहीं होती ठीक है लेट सपोज़ हमारे पास ट्रांसलेशन हो रही है जी अरेबिक से उर्दू में नावल्स जितने भी हैं ठीक है फिर हम जो है वो या फिर इंग्लिश से उर्दू कर है ज़्यादा ईजी है हम इंग्लिश से उर्दू में नावल्स की जो है वो ट्रांसलेशन करते हैं हम शॉर्ट स्टोरीज़ की ट्रांसलेशन करते हैं लेकिन हम ड्राम की ट्रांसलेशन नहीं करते तो अगर एक राइटर उठा या एक ट्रांसलेटर उठा उसने कहा जी मैंने इंग्लिश में उर्दू जो जितने भी ड्रामास हैं उनकी ट्रांसलेशन करनी है उसने वो ट्रांसलेशन की और उस ट्रांसलेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल हुई और वो प्राइमरी पोजिशन हासिल कर गई वो प्राइमरी पोजिशन उसकी कहलाएगी पेरेफ्रिलिया वीक लिटरेचर यानी वो बिल्कुल नया नया जब आता है आपका मार्केट में यूँ कह लें ठीक है वो स्ट्रक्चर में बिल्कुल न्यू इंट्रोड्यूस्ड होगा अब हमारे पास टर्निंग पॉइंट कब आएगा यानी हमारे पास जो लिटरेरी वर्क है ठीक है यानी जो हमारे पास ट्रांसलेशन आई है वो यूँ कह लें कि आपने एक जो इंग्लिश से उर्दू में किसी भी आंद्रा की ट्रांसलेशन की वो तकरीबन जो है वो एक वैक्यूम था एक ख़ला था तकरीबन सौ साल बाद या दो सौ साल बाद जो है वो इस लैंग्वेज से इस लैंग्वेज में यानी इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेशन आई है और उसको जो है वो एक यूँ कह लें कि सिस्टम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल हुई है तो वह हमारे पास एक टर्निंग पॉइंट होगा यानी जिसको कहते हैं ना कि काया पलट देने वाला एक काम ट्रांसलेशन अगर सेकेंडरी पोजिशन पर है यानी सेकेंडरी टेक्स्ट के तौर पर हमारे पास स्ट्रक्चर में आ रही है तो फिर क्या होगा फिर हमारे पास जो है वो यानी इसको वीक लिटरेचर के तौर पर हम लेंगे यानी वीक टेक्स्ट के जो कोई भी मेजर इन्फ्लुएंस इसका सिस्टम पे या पोलिस सिस्टम में नहीं है यानी एक इसकी इम्पॉर्टेंस ना होने के बराबर है ठीक है यानी इसका कोई रोल नहीं है कहीं पे भी इसका रोल नहीं होगा ये कंजर्वेटिव एलिमेंट के तौर पर लिया जाएगा वीक एलिमेंट के तौर पर ट्रांसलेशन को लिया जाएगा इसको आ, कहीं पे भी इम्पॉर्टेंस हासिल नहीं होगी अगर तो आ, ट्रांसलेशन जो है वो प्राइमरी है फिर भी हमने ये तीन केसेस देखे लेकिन अगर ट्रांसलेशन जो है वो सेकेंडरी टेक्स्ट के तौर पे आ रही है यानी बॉटम में कहीं इसको पोजीशन हासिल हो रही है तो फिर हमारे पास जो है वो कुछ भी यानी ट्रांसलेशन को कोई इंपॉर्टेंस हासिल नहीं होगी अच्छा अब हम देख लेते हैं कि जो पोलियो सिस्टम थेरी है इस पर क्रिटिसिज्म किस तरह का आया यानी जो डिफरेंट क्रिटिक्स थे उन्होंने किस तरह से पोलियो सिस्टम थेरी को देखा सबसे पहले तो जी जो इवन जोहर की जो थेरी है ये हमने शुरू में भी कहा था बिल्कुल स्टार्ट में जो इंट्रोडक्शन में है कि ये फॉर्मलेस और स्ट्रक्चरलिस्ट इनकी थेरी पर बेस्ड करती है जबकि ये थेरीज आई थी नाइनटीन ट्वेंटी में नाइनटीन थर्टीज़ में नाइनटीन फोटीज़ तक थी अब अगर हम आज देखें ट्वेंटी ट्वेंटी टू में ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में अगर हम देखते हैं इस थेरी को तो बहुत ही यानी आउटडेटेड लगती है कि तब की बात और थी अब की बात और है इसी तरह से जो फोकस था दस थेरी का फिर एक क्रिटिक ने कहा कि ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट है यानी ख्याली बातें हैं सारी इसका रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं है फिर ये भी कहा क्या कि थेरी डज नॉट टॉक अबाउट द बैकग्राउंड या सोशल कॉन्टेक्स्ट ठीक है कि ये लिटरेचर कब प्रोड्यूस किया गया कैसे प्रोड्यूस किया गया किन हालात में किया गया इसके क्यों कोई भी सोशल कॉन्टेक्स्ट की बात जो है वो इस थेरी में नहीं की जाती इन अगेन हमारे पास वो पॉइंट आ गया कि पोली सिस्टम थेरी जो है वो ये क्या है आउटडेटेड है ये अपडेटेड थेरी नहीं है क्योंकि ये नाइनटीन ट्वेंटीज़ की थेरी पर बेस कर रही है सो दैट इज़ ऑल अबाउट पोली सिस्टम थेरी आई होप कि आपको जितने भी इस थेरी के पॉइंट्स हैं वो सब समझ आ गए होंगे फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़